नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी बने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष। चिदंबरम के प्रस्ताव पर भी सभी ने एक सुर से किया समर्थन। सोनिया गांधी 14 मार्च 1998 से 16 दिसंबर 2017 तक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनके अध्यक्ष रहते 2004 से 2014 तक पार्टी केंद्र में सत्तासीन रही। सोनिया गांधी नए अध्यक्ष के चुनाव तक यह जिम्मेदारी निभाएंगी। जोमैटो ने 100 लोगों से नौकरी से निकाला, कॉस्ट कटिंग के लिए यह कदम उठाया। जोमैटो 2015 में भी 300 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल चुका है। कंपनी में यह दूसरी सबसे बड़ी छटनी है। पाकिस्तान की बौखलाहट जारी, लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा के साथ की गई तोड़फोड़। भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटा दिया, मानो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई हो। पाकिस्तानी सरकार ने भारत से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए हैं और कूटनीतिक संबंधों के दर्जे को भी कम कर दिया है। अब पाकिस्तान के कुछ असामाजिक लोगों ने भी सरकार के नक्शे कदम पर चलने पड़ रहे हैं। ऐसे में ही दो लोगों ने लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। कश्मीर पर बयानबाजी जारी, अब शिवराज सिंह चौहान ने पंडित नेहरू को बताया अपराधी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब भारतीय सेना कश्मीर से पाकिस्तानी कबालियों का पीछा कर रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध विराम की घोषणा कर दी। कश्मीर के एक तिहाई हिस्से पर पाक का कब्जा है, अगर कुछ और दिन के लिए युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। ट्रंप का बड़ा बयान, और बुरा होगा चीन का हाल। IMF ने GDP में और गिरावट की आशंका जताई। अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वार के कारण चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है। यदि अमेरिका ने आगे शुल्क में बढ़ोतरी की तो चीन की आर्थिक वृद्धि दर में इसकी वजह से तेजी से गिरावट आ सकती है। जेट एयरवेज की मुश्किलें बढ़ी, खरीदारी के लिए केवल 3 कंपनियों ने दिलचस्पी जताई। नकदी संकट के कारण बंद पड़ी जेट एयरवेज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इस एयरलाइंस की बिक्री के लिए केवल 3 रुचि पत्र मिले हैं। कंपनी ने 24% हिस्सेदारी रखने वाली इतिहाद एयरवेज के लिए भी खरीदारी में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। राहुल के कश्मीर के हालात खराब वाले दावे पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि 6 दिनों में एक भी गोली नहीं चली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर से हिंसा की खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्थिति साफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में स्थिति कैसी है इस बारे में प्रधानमंत्री देश को जरूर बताना चाहिए। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य में पुलिस के पिछले 6 दिनों में एक भी गोलियां नहीं चली है। अनुराग कश्यप ने ट्विटर छोड़ने पर विवेक अग्निहोत्री पर कहा हमला, लड़ने की हिम्मत नहीं तो राजनीति पर क्यों बोलते हो। अनुराग कश्यप ने ट्विटर छोड़ने पर फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने उनकी आलोचना की है। विवेक ने कहा है कि जब मुझ पर हमला हो रहा था तो तुम अपनी चुप्पी के लिए जश्न मना रहे थे, तुम कुछ पागल ट्रोल्स के आड़ में विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। बाढ़ बारिश का कहर जारी, केरल कर्नाटक महाराष्ट्र और गुजरात में अब तक 106 लोगों की मौत है। केरल और महाराष्ट्र में तो सैलाब जानलेवा हो गया है। केरल में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही से अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कर्नाटक में भी बाढ़ कहर बनकर के टूट रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ बारिश का प्रकोप झेल रहे हैं। IIT बॉम्बे के शिक्षा मंत्री निशंक का अजीबोगरीब दावा, कहा चरक ऋषि ने की थी अणु परमाणु की खोज। रमेश पोखरियाल निशंत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2024 तक शिक्षा में वैश्विक गुरु के तौर पर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए IIT को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। CM योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर रूस यात्रा पर जाएंगे। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे दल का नेतृत्व। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर और UP के CM योगी आदित्यनाथ एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान इस दल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। CM योगी रूस में एक सत्र को भी संबोधित करेंगे।